क्या ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है गाइस, इन पंछियों को देखो गाइस, एंजॉय। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पिंक सिटी। उतनी ही अमेजिंग हमारी चढ़ाई हो चुकी है इस टाइम पर। पहले ब्रेक कर, अंकल जी देख कर। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस फॉर अनदर व्लॉग। सो ये एक अनप्लान ट्रिप है और मैं हूँ अभी न्यू दिल्ली पे और मैं जा रहा हूँ ऑल ऑफ अ सडन जयपुर। और 3 दिन की छुट्टी है, मुझे पता नहीं था, वरना मैं पहले ही प्लान करके जाता सब कुछ। सो वाइफ और बेटी को मैंने रेलवे स्टेशन में वो ट्रेन से गाइस पेट्रोल डलवा लिया है, अभी टैंकी हो गई है फुल और यहाँ हल्क हमारी रेडी है जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और अब हम जाते हैं, निकलते हैं जयपुर की ओर। बहुत लेट हो गया है, ऑलमोस्ट रात के 8:30 बज चुके हैं। मुझे लगा था थोड़ा जल्दी निकल पाऊँगा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना और वाइफ की भी ट्रेन जो थी वो 8 बजे की थी, तो उनको ड्रॉप किया, बिठाया ट्रेन में, फिर मैं निकला हूँ। अब मैं गियर्ड अप हूँ पूरा, अब रुकेंगे 1-2 घंटे में और कुछ खाएंगे पिएंगे, डिनर करेंगे आराम से। मिलते हैं सबको गाइस। अब जाके थोड़ी सी खाली रोड मिली है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और डिहाइड्रेशन हो रही थी ऊपर से, तो मैंने अब जाके एक ब्रेक लिया छोटा सा पानी का। मुझे 1/2 घंटा हो गया ऑलमोस्ट चलते चलते, एंड मोर देन हाफ एन आवर। और अप्रॉक्सीमेटली मैंने अराउंड 15-18 किलोमीटर्स कर लिए हैं, लेकिन अभी सफ़र तो शुरू हुआ है। टोटल जर्नी वॉज अराउंड 283 किलोमीटर्स, बचा है अभी भी 260 के अराउंड। मौसम तो अभी ठीक लग रहा है, उस टाइम पर गर्मी लग रही थी, बट एम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, निकलते निकलते दिल्ली से बहुत टाइम लग गया। अभी थोड़ी देर चलाएंगे, फिर मैं थोड़ी देर तक, भूख लग रही है मुझे वैसे, मैं सोच रहा हूँ 1 घंटे के अंदर ब्रेक ले लूँ, थोड़ा सा कर लूँ किलोमीटर्स, 70-80 किलोमीटर्स कर लूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद एक ब्रेक लेंगे। गाइस हम पहुँच चुके हैं NH 48 पे, अभी भी दिखा रहा है 4 घंटे यहाँ से और 232 किलोमीटर दिखा रहा है। थोड़ा मुझे सेफ़ नहीं लग रहा है यहाँ पर कैमरा वैमरा लेकर चलाना, तो मैं अब कैमरा रख रहा हूँ अंदर। आपसे मिलेंगे जब मैं करूँगा डिनर, तब मैं आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे मानवी होटल में बहरोड से कुछ 20-25 किलोमीटर है, बहुत तेज़ भूख लग रही थी। ये देखिए हल्कियाँ खड़ी हैं आराम से, रेस्ट कर रही हैं, बहुत देर से चल रही थी ये भी, कहने भैया थोड़ा आराम करवा दो, थक गई हूँ। मंगाया है राजमा चावल, बहुत मन कर रहा था खाने का, बहुत दिन से क्रेविंग हो रही थी, खाया नहीं था। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. आप भी आ सकते हैं और खा सकते हैं मानवी होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट में, मुझे सही लगा। मेरे रिव्यूज़ तो 10 में से 8 दूंगा मैं खाने को, राजमा बहुत अच्छे लगे। तो हल्की अभी वार्म अप हो चुकी है, अभी भी 160 किलोमीटर बचा है और मुझे लगता है ऑलमोस्ट 3 घंटे यहाँ से अभी भी लगेंगे। एक ब्रेक और बनेगा, चाय ब्रेक लेंगे। ऑलमोस्ट अभी बच चुके हैं 11:15-11:30 के बीच में हैं, चलो देखते हैं, भगाते हैं। रास्ता तो ठीक दिख रहा है अभी, बीच में बेकार रोड्स आए थे काफ़ी सारी, बट अभी ठीक है, बम्स वगैरह इतना अभी फील नहीं हो रहा। चलते हैं फिर मंजिल की ओर। नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, कल बहुत थकावट हो गई थी और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी आगे ब्लॉग कंटिन्यू करने की। सो आज Day 2 है और आज हम जा रहे हैं नहरगढ़ फोर्ट सबसे पहले, फिर जल ले जाएंगे एंड उसके बाद अगर टाइम बचा तो एम्बर फोर्ट भी देख लेंगे आज के आज ही। और मुझे ज्वाइन किया था मेरी बेटी ने, ये लोग पहले ही आ गए थे ट्रेन से, मेरी वाइफ ने, और ये है भव्यांश, ये हमारी दीदी का लड़का है। ये से हाय।
तो गाइस हमें जाना था 21 किलोमीटर और 40 मिनट्स दिखा रहा था, अभी ऑलमोस्ट आधा रास्ता कंप्लीट हो गया है। और ऑल ऑफ अ सडन जो धूप थी वो एकदम से मौसम चेंज हो गया है, बिल्कुल बारिश वाला हो गया, इवन हल्की हल्की ड्रिजल स्टार्ट हो गई है। तो मे बी शायद मुझे गोप्रो रखना पड़े बैग में डाल के सेफली, बाकी देखते हैं। अभी तक तो मज़ा आ रहा है, हार्डली 20 मिनट्स और लगेंगे, 20-25 मिनट्स दिखा रहा है मैप भी, पहुंच जाएंगे आराम से। और मैंने सुना था हिल्स वाला जो है वो बहुत अच्छी है, जितनी भी वीडियोस देखी हैं जो नाहरगढ़ वाली फोर्ट वाली जो है, उन सब ब्लॉग्स में वीडियोस में यही दिखता है कि वो जो रास्ता है वो बहुत मतलब अच्छा लगता है आपको ड्राइव करके। सो एक ये ना मेमोरीज होती हैं, ये एक एडवेंचर होता है कि आपने ऐसे चलाई वैसे चलाई, वो मेमोरीज ना कैप्चर हो जाती हैं बहुत बार और बहुत बार नहीं होती हैं, लेकिन हाँ आपको मज़ा आता है। और दूसरी चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब इनसे हमको एक्सपीरियंस मिलता है। गाइस बारिश हो गई है तेज और मुझे रखना पड़ेगा गोप्रो थोड़ा सा अंदर। सो गाइस बारिश हो गई है बंद, सिर्फ 10 मिनट आई और लेकिन बहुत तेज आई, कुछ कुछ गीले हो चुके हैं, बट गाइस एंजॉय, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पिंक सिटी। बहुत ही सुंदर लग रहा है, अभी तो ट्रैफिक है बट इफ यू सी बोथ साइड्स ना बहुत अच्छा लग रहा है, एक रॉयल फील आती है ना, वो रॉयल सी फील आ रही है इधर। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 3 किलोमीटर्स बचा है, 10 मिनट दिखा रहा है, पहुंच जाएंगे 10 मिनट में। तो अभी तो हिल्स भी चालू नहीं हुआ जो छोटा सा हिल्स बोलते हैं। वाओ क्या ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है गाइस, इन पंछियों को देखो, वाओ मुझे पता नहीं ये मंदिर है बट कौन सा है मुझे नहीं पता। अरे देखकर अंकल जी देखकर, यहाँ से शुरू होती है चढ़ाई गाइस, देखते जाइए बस। आई होप आपको भी वो दिख रहा होगा अच्छा। What a view man, अभी मेरा थोड़ा ध्यान ड्राइविंग पे है, वो ऊपर से जाके आराम से सिनेमैटिक दिखाऊंगा गाइस, डोंट वरी। इसमें देखा है ना वो ये रास्ता नहीं, गाइस अमेजिंग व्यू है यहाँ से तो। और उतनी ही अमेजिंग हमारी चढ़ाई हो चुकी है इस टाइम पर गाइस, वाओ ये शायद जल लेक है जहाँ पे जाना है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि सब मैप में सब एक साथ दिखा रहा था। फाइनली गाइस पहुंच गए हैं एंट्रेंस पे,